हेलो फ्रेंड, मैं स्मृति आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मृति में। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में आप जानेंगे झारखंड की कला और संस्कृति को। झारखंड की कला और संस्कृति का ये मेरा 8वां क्लास है। इस क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ झारखंड के मेलों के बारे में। झारखंड में कौन कौन से मेले किस किस जगह पे आयोजित किए जाते हैं, यहाँ से प्रश्न बनता है आपकी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। ये जो क्लास है मेरा आज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। झारखंड एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे स्टूडेंट और झारखंड पीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए मेरा जो क्लास है कला और संस्कृति का काफी हेल्पफुल होगा। मेलों से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। झारखंड में अलग अलग क्षेत्रों में जो मेले आयोजित किए जाते हैं, तो आज की क्लास में हम लोग उसको जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे हजारीबाग में लगने वाले मेलों के बारे में। हजारीबाग में कौन कौन से मेले आयोजित किए जाते हैं, तो चलिए इसके बारे में जानें। सबसे पहले हम लोग जानेंगे नरसिंह स्थान मेला के बारे में। पहले मैं आपको बता दूं कौन कौन से मेले यहाँ आपको पढ़ने हैं हजारीबाग में। हजारीबाग में तीन मेला जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो नरसिंह स्थान मेला, दूसरा है सूर्यकुंड मेला और तीसरा है मंडा मेला। ये तीन मेला जो है वो हजारीबाग में लगता है, और भी लगते हैं लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने वैसे ही मेलों को शामिल किया है जो आपकी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम लोग जाने नरसिंह स्थान मेला के बारे में। नरसिंह स्थान मेला जो है वो हजारीबाग में लगने वाला मेला है, और कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये मेला लगता है। कार्तिक पूर्णिमा को ये मेला लगता है। नरसिंह स्थान में एक मंदिर है, नरसिंह मंदिर। उस मंदिर की स्थापना 1632 ईस्वी में पंडित दामोदर मिश्रा के द्वारा की गई थी, और यहीं पर नरसिंह स्थान मेला भी लगता है। तो आपने जाना नरसिंह मेला के बारे में। अब आप जानेंगे दूसरा जो मेला है वो है सूर्यकुंड मेला। सूर्यकुंड मेला का भी आयोजन हजारीबाग में ही किया जाता है, और इसका आयोजन मकर संक्रांति के दिन किया जाता है, और 10 दिनों तक चलने वाला ये मेला है। सूर्यकुंड जो झारखंड का सबसे गर्म कुंड है, यहाँ पर ये मेला आयोजित किया जाता है। हजारीबाग में ये है, और यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि सूर्यकुंड मेला निम्न में से किस स्थान पर लगता है, तो उसका उत्तर होगा हजारीबाग में। तिथि से भी प्रश्न बनता है किस तिथि को यहाँ पर मेला का आयोजन किया जाता है, तो ये हो गया मकर संक्रांति के दिन जो सूर्यकुंड मेला है उसका आयोजन किया जाता है। तो आपने जाना हजारीबाग में लगने वाले मेले के बारे में। मंडा मेला जो हम लोग नेक्स्ट अभी आगे देखेंगे। फिर अगर हम लोग जाने जो देवघर में लगने वाले मेलों के बारे में। देवघर में जो दो मेले हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है श्रावणी मेला और दूसरा है बुढ़ई मेला। सबसे पहले हम लोग जानेंगे श्रावणी मेला के बारे में। श्रावणी मेला कहाँ लगता है, तो ये देवघर में लगता है, और सावन माह में लगने वाला ये मेला है। ये पूरे एक माह तक चलता है ये मेला, और इस मेला में लाखों करोड़ों लोग जो है वो आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए। श्रद्धालु आते हैं, जलाभिषेक करते हैं शिव जी पर, और सुल्तानगंज से वो जल लेते हैं, और उस जल को लेकर के पैदल नंगे पांव चलते हुए वो आते हैं शिव जी का दर्शन करते हैं। इस मेला के बारे में ऐसा कहा जाता है कि विश्व का ये सबसे बड़ा मानव मेला है। तो ऐसे भी यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं कि निम्न में से कौन सा मेला विश्व का सबसे बड़ा मानव मेला है, तो इसका उत्तर होगा देवघर का श्रावणी मेला। एक और भी मान्यता है इस मेला से संबंधित कि ऐसा माना जाता है कि पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा मेला है जहां पर जितने भी श्रद्धालु होते हैं सभी का वस्त्र का रंग जो होता है वो एक ही होता है। एक ही रंग के वस्त्र वो लोग पहन के आते हैं, तो गेरुआ रंग के वस्त्र पहन के आते हैं। गेरुआ और कभी कभी सफेद भी बहुत सारे पहन के आते हैं जो श्रद्धालु होते हैं, तो लेकिन एक ही रंग के वस्त्र सभी के होते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा मेला है श्रावणी मेला जो देवघर में लगता है, तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है। अब अगला जो मेला है वो है बुढ़ई मेला। बुढ़ई मेला कहाँ पर लगता है, तो बुढ़ई मेला देवघर में लगता है। देवघर में एक बुढ़ई पहाड़ है, उस पर बुढ़ेश्वरी माता का मंदिर है, तो वहां पर बुढ़ई मेला है उसका आयोजन किया जाता है। बुढ़ई मेला का अन्य नाम भी है, उसको कहते हैं नवान पर्व के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये कब लगता है वो जाने, अगहन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को लगने वाला ये मेला है। तिथि आप याद रखिएगा, अगहन, मैं लास्ट में रिवाइज भी करा दूं कि तिथि को, किस लिए कि तिथि भूल जाते हैं आदमी। बुढ़ई मेला अगहन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को ये मेला आयोजित किया जाता है। नवान पर्व के नाम से भी जाना जाता है, और 3 से 5 दिनों तक चलने वाला ये मेला है। अगला मेला है वो है हिजला मेला। हिजला मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो ये दुमका में आयोजित किया जाता है। दुमका में लगने वाला ये मेला है हिजला मेला।
इस मेले की शुरुआत 1890 ईस्वी में हुई। संथाल जनजातियों में ये काफी लोकप्रिय है ये मेला। मेले की शुरुआत कब हुई? 1890 ईस्वी में। एक अंग्रेज अधिकारी अंग्रेज उपायुक्त थे, उनका नाम था कस्ट्रेयर्स, इनके द्वारा इस मेले की शुरुआत की गई। इस मेले से संबंधित कुछ जानकारी मैं आपको दे दूं कि 1855 ईस्वी में जब संथाल विद्रोह हुआ था तो उसके बाद में अंग्रेज और संथालों के बीच में दूरी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इस बढ़ी हुई दूरी को खत्म करने के लिए इस मेला का आयोजन किया गया, हिजला मेला। और किसके द्वारा शुरुआत किया गया था इसका? तो अंग्रेज उपायुक्त क्रस्टेयर्स थे, उन्होंने इस मेले की शुरुआत की। कहीं कहीं 1889 भी लिखता है और कहीं कहीं 1890 भी लिखता है। तो ये अगर ऑप्शन जैसा होगा आप उसका उत्तर कीजिएगा। तो इस समय में इस मेले का आयोजन किया गया पहली बार, और उस समय से लेकर के अब तक ये मेला जो है वो चलता आ रहा है। 127-128 वर्ष हो गए इस मेले के, तो ये मेला अब तक चलता आ रहा है। अब आप जानेंगे इस वर्ष कब मनाया गया ये मेला। तो इस वर्ष 15 फरवरी से 22 फरवरी के बीच में इस मेले का आयोजन किया गया, हिजला मेला का, दुमका में। अब अगला जो इसका तिथि जाने, तो माघ फागुन के शुक्ल पक्ष को ये हिजला मेला जो है वो लगाया जाता है। अगला है हाथीमा पत्थर मेला। अगर बसंत भी लिखा जाए तो बसंत ऋतु के समय में इस मेला का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है हाथीमा पत्थर मेला। ये मेला लगता है बोकारो के फुसरो में, कहीं कहीं बेरुआ भी लिखा रहता है बोकारो के, तो वो भी उसका उत्तर सही होगा। हाथीमा पत्थर मेला बोकारो के फुसरो में लगता है। हाथी के आकार का यहाँ पर एक पत्थर है, उसी पत्थर के पास इस मेला का आयोजन किया जाता है। हाथी के आकार का एक पत्थर होता है, वहां पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। मकर संक्रांति के दिन यहाँ पर सामूहिक स्नान किया जाता है। सामूहिक स्नान करने की ये परंपरा है। एक कथा भी इससे संबंधित है, वो मैं आपको बता दूं। एक राजा थे, अपने पुत्र के विवाह के लिए वो जा रहे थे बारात लेकर के। तो रास्ते में दामोदर नदी पड़ा इसी जगह पे। तो दामोदर नदी के तट पर उन्होंने यह आह्वान किया कि नदी का जल का स्तर अगर कम हो जाता है और हम लोग नदी पार कर लेते हैं तो हम लोग यहाँ पूजा करेंगे और यहाँ पे बलि को भी चढ़ाएंगे। तो ऐसा उन्होंने बोला, तो उसके बाद वहां की नदी का जो जल था उसका स्तर कम हो गया। लेकिन राजा जो थे वो ये पूजा करना और बलि चढ़ाना भूल गए। फिर आगे गया, वो आगे जाने के बाद शादी हो गई। उस बार शादी से जब वो लौट रहे थे, फिर इसी रास्ते जब लौटे, फिर उन्होंने इसका अवहेलना किया इस नदी का, और वो पूजा भी नहीं करे। तो इस कारण से वहां श्राप मिला कि जितने भी बराती हैं, जितने राजा हैं और जितने भी उनके साथ घोड़े हाथी बैल जो भी हैं, वो सभी पत्थर बन जाए। तो वो सभी जो थे वो पत्थर बन गए। तो ये ऐसी कथा जो है वो प्रचलित है, इस जगह से संबंधित है। तो उसके बाद से ही यहाँ पर जो वहाँ आसपास के जो लोग हैं वो लोग इकट्ठे होने लगे और मेला का आयोजन किया जाने लगा। तो ये हाथीमा पत्थर मेला से संबंधित ये कथा है, और ये हाथीमा पत्थर मेला बोकारो में लगता है। हाथी के आकार का पत्थर है वहां पर, और ये सही में हाथी के आकार का वहां पत्थर है जहां पर मेला का आयोजन किया जाता है। अब आप जानेंगे रांची में लगने वाले कुछ महत्वपूर्ण मेला के बारे में। वो कौन कौन सा मेला है? तो देखिए, सबसे पहले आप जानेंगे रथ यात्रा मेला, रथ यात्रा मेला, और एक है नवमी डोल मेला। ये दोनों के बारे में मैं आपको बताऊंगी। देखिए, रथ यात्रा मेला जो है वो रांची में लगता है। रांची में जो मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर जो है, जो जगन्नाथपुरी में जो मंदिर है, वहां के मंदिर के आधार पे यहाँ भी मंदिर का निर्माण कराया गया था। तो उस मंदिर के पास ये मेला लगता है, रथ यात्रा मेला। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को, कहीं कहीं तृतीया भी मिलेगा, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया को रथ यात्रा मेला का आयोजन किया जाता है, और 7 दिनों तक चलने वाला ये मेला है। इस मेला में जो मुख्य मंदिर है वहां से रथ को निकाला जाता है, और पास में ही एक पहाड़ी पर मौसी बाड़ी स्थित है, वहां तक ये मेला जो है वहां तक ये रथ को लेकर जाया जाता है। और इसके उपलक्ष्य में ही यहाँ पर मेला का आयोजन किया जाता है, जिसको रथ यात्रा मेला कहा जाता है। मुख्य मंदिर से रथ जो है वो निकलकर मौसी बाड़ी की तरफ जाते हैं। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को इस मेला का आयोजन किया जाता है, रथ यात्रा मेला का। अब आप जानेंगे नवमी डोल मेला के बारे में। ये भी रांची में लगने वाला एक मेला है, रांची के टाटे सिलवे में ये मेला का आयोजन किया जाता है। होली के 9 दिन के बाद ये मेला लगता है, नवमी डोल मेला।
अब आप जानेंगे कुछ और भी महत्वपूर्ण मेला के बारे में जो सिमडेगा में लगता है। सिमडेगा में लगने वाले मेला के बारे में कौन कौन से मेले हैं, जैसे पहला है रामरेखा धाम मेला, दूसरा है गांधी मेला। ये सिमडेगा में लगने वाला मेला है। सबसे पहले हम लोग जाने रामरेखा धाम मेला, ये कार्तिक पूर्णिमा में लगता है और 3 दिनों तक चलने वाला ये मेला है। इससे संबंधित एक कथा प्रचलित है, वो है कि जब राम लक्ष्मण और सीता दंडकारण्य की तरफ ये जब जा रहे थे, तो दंडकारण्य की तरफ जाने के क्रम में सिमडेगा में आकर ये रुके थे। तो इस जगह पे रामरेखा मंदिर भी है और साथ में यहीं पर रामरेखा, मतलब जिसको रामरेखा धाम के नाम से भी जाना जाता है, रामरेखा धाम में ही रामरेखा मेला का आयोजन किया जाता है। तो इसके पहले मैंने मंदिर में रामरेखा मंदिर के बारे में बताया था, जो सिमडेगा में है, और सिमडेगा के रामरेखा धाम में ही ये मंदिर, ये मेला का आयोजन किया जाता है। फिर अब अगला है गांधी मेला। गांधी मेला भी सिमडेगा में लगता है। 1 सप्ताह तक चलने वाला ये मेला है। विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी विभागों के द्वारा यहाँ पर सामूहिक प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। इसको विकास मेला के नाम से भी जाना जाता है। तो आपने जाना कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मेला के बारे में जो अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित है, झारखंड से संबंधित है। कुछ और भी मेले जैसे कि जो रह गए हैं, जैसे कि पहला है मंडा मेला। मंडा मेला रामगढ़ में, हजारीबाग में, बोकारो में और झारखंड के अन्य क्षेत्रों में भी आयोजित किया जाता है इस मेले को। ये मेला जो है ये आग पे चलने का पर्व के नाम से भी जाना जाता है, जिसको जागरण, रात भर लोग जगे रहते हैं। अब जब मैं पर्व के बारे में पढ़ाऊंगी तो उसमें मैं आपको मंडा पर्व के बारे में भी बताऊंगी। मंडा पर्व का आयोजन झारखंड में होता है। काफी, मतलब झारखंड में जितने भी पर्व मनाए जाते हैं उसमें सबसे कठिन पर्व यही होता है। इसमें क्या होता है कि जो भक्ता होते हैं, जो व्रत रखते हैं, वो उनको धुआंसी कराया जाता है। धुआंसी और फुलखुंदी। धुआंसी में क्या होता है कि आग आग के ऊपर इनको लटकाया जाता है, उल्टा आग के ऊपर इनको उल्टा लटका जाता है, तो इसको धुआंसी कहते हैं। तो जब मंडा मेला लगता है तो उसमें धुआंसी भी होता है और साथ में फुलखुंदी भी होता है। फुलखुंदी में क्या होता है, जलता हुआ जो अंगारे होते हैं उसके ऊपर जो भक्ता होते हैं उनको चलना होता है। तो भक्ता उस पे चलते हैं अंगारे पे, तो इसको कहते हैं फुलखुंदी। और धुआंसी भी होता है इस मेले में। तो आग पर चलने का ये पर्व है और इसको जागरण के नाम से भी जाना जाता है। और ये पर्व प्रत्येक वर्ष लगने वाला ये मेला है। ये जो मंडा मेला जो लगता है वो हर एक साल में लगता है और अक्षय तृतीया के दिन इसका आयोजन किया जाता है। काफी कठिन पर्व ये होता है। इसमें फुलकुंदी भी होता है, धुआंसी भी होता है और मेला का आयोजन किया जाता है इस समय में। और इस मेला को मंडा मेला के नाम से जानते हैं। झारखंड के अलग अलग भागों में मंडा मेला का आयोजन किया जाता है। अब अगला है बिंदु धाम मेला। बिंदु, यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए मैं नहीं बनाई, तो यहाँ साहेबगंज के क्षेत्र में लगने वाला ये मेला है बिंदु धाम मेला। साहेबगंज के बिंदु धाम शक्तिपीठ में ये मेला लगता है। कब लगता है वो जानेंगे। चैत माह के शुक्ल पक्ष की 9वीं के दिन लगने वाला ये मेला है। यहाँ पर विंध्यवासिनी की अति प्राचीन शक्तिपीठ है। जिस जगह पे बिंदु धाम मेला लगता है वहां विंध्यवासिनी की शक्तिपीठ स्थित है और ये साहेबगंज में लगता है। फिर अगला और कुछ अन्य महत्वपूर्ण मेले हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में लगते हैं झारखंड में, जैसे कि तुर्की मेला, ये चाईबासा में लगता है। मुड़मा मेला, ये रांची में लगता है। रांची के मुड़वा नामक एक गांव में इस मेले का आयोजन किया जाता है। अभी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लें। दशहरा के 10वें दिन इस मेला का आयोजन किया जाता है। आदिवासी समुदायों का ये मेला है। यहाँ पर उरांव जनजाति, मुंडा जनजाति जो है वो आपस में मिलते हैं। इससे संबंधित कुछ कथा है वो मैं आपको बता दूं। मुड़मा मेला, ऐसा छोटा नागपुर के इतिहास से ये पता चलता है कि रोहतासगढ़ में जो उरांव जनजाति के जो लोग रहते थे, बिहार के रोहतासगढ़ में, वो लोग जब उस समय में मुगलों का आक्रमण रोहतासगढ़ पर हो रहा था, तो जब रोहतासगढ़ पे मुगलों का आक्रमण हो रहा था तो उस समय में जो उरांव जनजाति के लोग थे वो भाग करके आए, पहुंचे पलामू के क्षेत्र में। फिर वहां से होते हुए ये रांची पहुंचे। रांची आने के बाद वहां पे मुंडा जनजाति जो थे वो ज्यादा संख्या में थे, तो उनसे इन लोगों ने, उरांव जनजातियों ने आश्रय मांगा। तो मुंडा जनजाति ने उनकी कथा सुनी और उसके बाद उनको पश्चिम का जो वन क्षेत्र था
उसको साफ करने के लिए बोला और साफ करके वहां रहने के लिए बोला। तो उरांव जनजाति उन क्षेत्रों को साफ करके वहां रहने लगे। तो ये उरांव जनजाति के लिए बहुत ही बड़ी बात थी और मुंडा जनजाति के साथ उनकी जो मतलब भाईचारे का एक भावना जो था वो बन गया। और उसके बाद से इन लोगों के आपस में मिलने का ये आयोजन होता है, मेला लगता है वहां पर। और ये इस मेला को कौन से मेला के नाम से जानते हैं? मुड़मा मेला। यहाँ 40 पढ़ा के लोगों के जो उरांव होते हैं उन सारे उरांव जो होते हैं वो इकट्ठे होते हैं इस मेला में, और मुंडा भी इकट्ठे होते हैं। और इस आदिवासियों से संबंधित ये मेला है और काफी हर्षोल्लास के साथ ये मनाया जाता है और ये खुशी का पर्व मनाया जाता है क्योंकि उरांव को रहने के लिए वहां पर जगह दी गई थी। तो उरांव जनजाति और मुंडा जनजाति से संबंधित ये मेला है। तो मुड़मा मेला के बारे में जाना, जो मुड़मा नामक गाँव रांची में लगता है। फिर दूसरा है देवोत्थान मेला। देवोत्थान मेला रांची में लगता है। रानी चुंबा मेला, ये भी रांची में लगता है। टुसू मेला, ये पंच परगना में लगता है। टुसू पर्व के उपलक्ष्य में ये मेला आयोजित किया जाता है। मकर संक्रांति के एक माह पहले से लेकर के मकर संक्रांति तक चलने वाला ये मेला है। एक माह से एक माह तक लगता है, एक माह तक माफ कीजिएगा, एक माह पहले से ही इस मेले की तैयारी की जाती है। और मकर संक्रांति के दिन जो होता है वो अंतिम दिन होता है इस पर्व का। तो उस पर्व के जो अंतिम दिन का जो पर्व होता है उस दिन इस मेला का आयोजन किया जाता है, वो कहलाता है टुसू मेला। पंच परगना के क्षेत्र में ये ज्यादा प्रचलित है। अगला मेला है वो है जतराही मेला। ये चतरा में लगता है जतराही मेला। सरहुल मेला, ये रांची में लगता है। गणतंत्र दिवस मेला, ये गोड्डा में लगता है। चपरी मेला, ये बरवाडीह में लगता है। उर्स मेला, ये गुमला में लगता है। और भी झारखंड के अलग अलग क्षेत्रों में इस मेले का आयोजन किया जाता है। माको मारो पहाड़ मेला, ये लगता है कोडरमा में। माको मारो पहाड़ मेला कोडरमा में। तो आपने कुछ प्रमुख मेला के बारे में जाना, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हेलो, उम्मीद है कि आपने ले लिया होगा। तो हम लोग थोड़ा एक बार रिवाइज कर ले, ठीक है ना? कौन कौन सा मेला कहाँ कहाँ लगता है देखिए। नरसिंह स्थान मेला हजारीबाग में, सूर्यकुंड मेला हजारीबाग में। नरसिंह स्थान मेला कार्तिक पूर्णिमा को, सूर्यकुंड मेला भी मकर संक्रांति को। श्रावणी मेला देवघर में और ये लगता है सावन माह में। बुढ़ई मेला लगता है देवघर में और ये आयोजित किया जाता है अगहन माह के शुक्ल पक्ष पंचमी को। हिजरा मेला लगता है दुमका में, मयूराक्षी नदी के तट पर। और इसमें ये मेला जो है वो फागुन के शुक्ल पक्ष को लगता है बसंत पंचमी, बसंत ऋतु में। माघ और फागुन के शुक्ल पक्ष को लगता है बसंत ऋतु में लगता है। हाथीमा पत्थर मेला बोकारो में लगता है। मकर संक्रांति में इस यहाँ पर सामूहिक स्नान किया जाता है। रथ यात्रा मेला आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को लगता है, रांची में लगता है। नौमी डोल मेला रांची के टाटी सिलवई में लगता है। होली के नौवे दिन में ये मेला लगता है। मंडा मेला जो है वो अक्षय तृतीया को लगता है। साथ में बिंदु धाम मेला जो है वो चैत माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को लगने वाला ये मेला है। फिर अन्य मेला में आपने जाना, तुर्की मेला चाईबासा में लगता है। मुड़मा मेला रांची में लगता है। देवोत्थान मेला रांची में। रानी चुंबा मेला रांची में। टुसू मेला पंच परगना। जतराही मेला चतरा। सरहुल मेला रांची। गणतंत्र दिवस मेला गोड्डा। चपरी मेला बरवाडी। उर्स मेला गुमला। और माको मारो पहाड़ मेला कोडरमा में। ये सभी मेले जो हैं वो झारखंड में आयोजित किए जाते हैं। प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।